सर मैं क्लियर हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, सही। अरे वाईआईटी है यार, सर जैसे भी दिखोगे आप सारे देखना चाहेंगे आपको। आपको पता यकीन नहीं हो रहा कि आईआईटी का टैग लग गया है मेरे ऊपर। अच्छा चलो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट। यस यस सर ओके। सो क्षितिज बताओ भाई, अपने बारे यस में सर थोड़ा सा बता दो, दुनिया जानना चाहती है आपके बारे में। सर दुनिया सर क्या बोलूँ अब, नहीं कर सकता हूँ बोलो। चीजी लाइन से स्टार्ट। आई एम ए हाँ स्टूडेंट ऑफ नेचर। फिजिक्स और कुछ? फिजिसिस्ट को तो वैसे ही वो बोलते हैं। हाँ, स्टडी ऑफ नेचर ना, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यस सर स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। एग्जैक्टली। तो चलो फिर आप ही बता दो, आप क्या क्या मतलब सर बोलो, फिर शुरू करो। या सर अब अभी तो सर फिलहाल पहले तो मैं क्लूलेस हो गया, बोलूंगा क्या अभी। अरे कुछ भी बोलो, क्योंकि बिल्कुल मैं कह कैंडिड रहा हूँ जाने ना ये वाला है। एक्सपीरियंस। हाँ यस सर तो सर माय नेम इज सतीश बोगना एंड आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम HNBGU। ज्यादा जानी मानी यूनिवर्सिटी नहीं है, इनफैक्ट कहीं साइट से पता भी नहीं लगता उनको कि ये वाली एक यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट भी करती है। ऑल्दो इट्स अ फैक्ट कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हम लोग, लेकिन ओके। कई बार हम ही खुद सोचते हैं कि यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भी। तो मतलब ये कैसे फील होता है, तो सेंट्रल सर यूनिवर्सिटी मैंने है या नहीं है? अनअकैडमी अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या नहीं है, मतलब कैसे, सर बस क्राइटेरिया एक क्या साइट आपके है दिमाग में? हमारा मतलब आपके दिमाग में क्या सर पता क्राइटेरिया नहीं, कि हमें तो बस सेंट्रल इतना पता है यूनिवर्सिटी कि के अंदर सेंट्रल ये चीजें होनी यूनिवर्सिटी है। चाहिए? हाँ, बोलो। सर मतलब क्या बोलूं मैं सेंट्रल, वैसे तो आई एम नो वन टू जज अ यूनिवर्सिटी एंड इट्स फैकल्टी, बट हाँ एटलीस्ट फैकल्टी हम लोगों ने जो अभी तक फैकल्टी देखी थी हाँ इट हैड बीन गुड, लेकिन फैकल्टी भी उतनी इनविजिबल थी जैसे पॉलिटिशियंस आफ्टर इलेक्शंस। एग्जैक्टली। मतलब चलो चलो कंटिन्यू जैसे अभी मैं करो। वो देखता था कभी कभार कि जैसे कि सपोज आप हम लोगों के क्लासेस आप लेते थे तो आप क्या रहते थे, आप काफी फोकस रहते थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो एक वो स्कूल वाली फीलिंग आ जाती थी हमें अनअकैडमी में। लेकिन जैसे उसकी बात करूं मैं कि जब कॉलेजेस में जाते थे तो वहां पे तो टीचर ही पहले हम लोगों के आते नहीं थे टाइम पे, फिर ऊपर से बच्चे और खतरनाक। हम लोग जैसे कभी कभार टीचर आ गया कोई ढंग का तो हम पीछे मुड़े में हम देख रहे हैं यार सीट तो पूरी खाली है, करना क्या। मैंने कहा क्लास थी भी हम लोगों की। तो बाद में पता लगता है कि अच्छा भाई क्लास थी। अच्छा तो अच्छा। मैं ऐसे वो लगा कि पहले एक दिन का इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। हम लोगों का हुआ क्या कि हम लोगों की क्लास थी मैथमेटिक्स की, तो शायद से हाँ मैथमेटिक्स की ही क्लास थी हमारी, शायद से डिफरेंशियल कैलकुलस की थी। अब हमारे टीचर हो गए 5 से 10 मिनट लेट, तो हम पीछे मुड़ते हैं वहां देखते हैं बच्चे ही नहीं है, अच्छा। तो हम भी खड़े होके बाहर निकल गए और मैं अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठ गया। मैंने कहा अच्छा और कैंटीन सर ऐसा था कि यहाँ पे हमारी क्लास है यहाँ पे हमारा कैंटीन है अगल ओके। बगल अगल एकदम, तो बगल हम वहां पे बैठे हुए और हमारे टीचर क्लास में चले जाते हैं, वो बच्चे जितने 5-10 हैं वहां पे उन्हें पढ़ा के बाहर आते हैं। अब मैं कोइंसिडेंटली होके जाता है मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, वहां पे से टीचर ऊपर को आ रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा सर आज क्लास भी थी क्या? मैने कहा यार इस रास्ते नहीं आना चाहिए था मेरे को, एक तो ये जानते हैं ऊपर से मैं क्लास में गए। लेकिन हाँ सर एक चीज सर जो मतलब मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ऑल्दो हम एज अ स्टूडेंट्स हम लोग काफी ज्यादा ब्लेम कर देते हैं फैकल्टी को कि फैकल्टी ऐसी है फैकल्टी वैसी है फैकल्टी आती नहीं है, लेकिन सर एक चीज जो कई बार मेरे मेंटोर्स ने मतलब जो पहले आप तो अभी अनअकैडमी में आए थे तो हम लोग तब मिले थे तब आप बने थे मेंटर, लेकिन उससे पहले जो मेंटर्स थे तो वो इस चीज को काफी पॉइंट आउट करते थे कि अगर बच्चा ही अगर पढ़ने के लिए हमें उत्सुकता नहीं दिखाएगा तो एग्जैक्टली। हम भी कितना ही जो कर लेंगे हम भी एक पॉइंट के बाद बोर हो जाएंगे, तो सही बात है। हम नहीं करते हैं फिर उसके बाद। जैसे मेरे एक मामा है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, इज अ वेरी ब्रिलियंट मैन, लेकिन वो बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे मैं स्कूल में जाता हूँ, हेलो तो वो बोलो। कहते हैं कि जिस पॉइंट पे मैं स्कूल में जाता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं वहां से बंक मार के निकल जाते हैं, तो इवन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड दैट व्हाई एम आई वर्किंग सो हार्ड फॉर दीज पीपल व्हेन दे डोंट इवन वांट टू स्टडी। तो सर दो चीजें हैं एजुकेशन सिस्टम की, मतलब जनरली आपने एक चीज देखी होगी और ये मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर देते हैं कि यार एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ये वैसा है, लेकिन वी नेवर इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स कि हम लोगों की क्या गलती रह गई होगी इसमें। अब पता नहीं सर कहाँ से टॉपिक कहाँ तक आ गया अच्छा कोई अभी। बात नहीं। तो फिर आपका कुछ प्लान है ऐसा, एजुकेशन सिस्टम में जाके घुस के कुछ बदलने का, कुछ सोचा ऐसा फ्यूचर प्लान्स?
because definitely you are going for PhD. Yes sir. तो सर अभी तो पहला मेरा जैसे एक उन्होंने कहा था मेरे मेंटर तो जो है मतलब आइडियल ही इज रिचर्ड पी फाइनमैन, एवरीबॉडी नोज ऑफ हिम. सो सर डेफिनेटली एक वो तो है एम मेरा कि इफ आई डू माय पीएचडी एंड आई गेट इनटू फिजिक्स इन टीचिंग लाइन, मतलब टीचिंग लाइन इन द सेंस इन क्यों रिसर्चर्स भी होते हैं तो उन्हें भी टीच तो करना ही पड़ता है कॉलेजेस में. सर माय एम इज डेफिनेटली दैट when I get into that, when I get to that point in my career, then I will definitely make sure that whosoever student comes under my wings, he leaves after understanding the topic. जैसे कहते नहीं, आइंस्टाइन ने एक पॉइंट पे कहा था कि if you cannot teach it to a 3 year old, that means you have not understood it yourself also. So I want that, I aim that when I become a professor, I definitely am able to teach what I have learned over the years of my experience. I am able to deliver that same knowledge and that same thinking capability to the student who is sitting near me. जैसे एक बार ही मेरे को हमारे एक त्रिपाठी सर है, मैं उनके बारे में कई बार बोलता था आपसे भी, तो उन्होंने मेरे को एक दिन कहा था कि क्षितिश द मेन प्रॉब्लम दैट वी एज अ टीचर एंड यू एज अ स्टूडेंट आर फेसिंग इज दैट सम टीचर्स हैव मेड इट अ पोस्टुलेट की फैक्ट्स डिलीवर करना इज एजुकेशन. बट द थिंग इज यू जैसे कहते नहीं सर यू कैन यू डोंट हैव टू टीच अदर्स व्हाट टू थिंक, यू हैव टू टीच अदर्स हाउ टू थिंक. तो सर बस वही मेरे एक मेन मोटो रहेगा कि व्हेनेवर इफ एंड व्हेन आई गेट इनटू दिस लाइन आई डेफिनेटली नॉट टीच द स्टूडेंट्स व्हाट टू थिंक but how to think that and how to reach those conclusions which the discoverer had reached in his time. अच्छा अभी मैं पूछूंगा आपसे क्योंकि आपने ड्रॉप लिया होगा. yes, sure. और मेरा मेन मोटिव भी यही था कि मतलब एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे भी ड्रॉप लेंगे रिजल्ट देख के आज स्पेशली. ठीक है, मतलब हर बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे. तो लास्ट ईयर आई थिंक आपने क्वालिफाई कर लिया था राइट, कोई एनआईटी वगैरह कुछ मिल भी रहा था शायद. यस सर, यस सर, तब आपसे बात हुई थी एंड यू सेड कि If you have the courage, you should take a drop, and then I took the drop. Exactly. आपसे बात हुई थी, मेरे को याद है बहुत अच्छे से. तो ये बताओ कि मतलब ये एक साल जो है ये कैसे निकाला आपने? मतलब ऐसा हुआ कि होता ना कि एक फैमिली बर्डन भी रहता है कि यार आप घर में बैठे हुए हो, ठीक है, ऊपर से प्रिपरेशन में भी वही पेस रहना चाहिए, अदरवाइज फिर वही हो जाता कि यार वो गलती पहले ना हो जाए जो आप गलती कर चुके हो, है ना. तो मतलब क्या रहता था आपका टाइम टेबल बता दो, या आप बता दो कि कैसे इस चीज को आपने मेंटेन रखा एक साल. सर एक चीज जो मतलब ऑल्दो मेनी पीपल माइट हेट दैट पर्सन जिनके बारे में मैं नाम लूंगा, सर देयर इज अ पर्सन नेम्ड सद्गुरु. अच्छा. एंड वन डे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ हिज कोट्स एंड ही सेड दैट अनटिल एंड अनलेस यू हैव द अर्जेंसी टू डू अ थिंग यू वोंट पुट इन 100% ऑफ योर एफर्ट्स. एंड सर उसको ही मैंने मूल मंत्र बना दिया एंड आई सेड कि आई हैव टू डेवलप दैट अर्जेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैंने कुछ टाइम लिया, आई सैट विद माय सेल्फ अलोन इनसाइड अ रूम एंड आई डिसाइडेड व्हाई इट इज अर्जेंट फॉर मी टू क्रैक दिस एग्जाम इन अ वेरी गुड मैनर. तो फिर एक रियलाइजेशन आई एक पॉइंट के बाद कि अगर ये एग्जाम क्रैक, मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे एम्स तो रख दिए लेकिन अगर सर वही बात है ना कि मैं कहूँ कि मेरे को ये करना है मेरे को वो करना है और 12 पास में होंगी तो मेरा कोई हक ही नहीं बनता सोचने का. तो मैंने कहा कि अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं होता, मैंने कहा जितने एम्स को मैं वो कर रहा हूँ, रियलाइज सोच रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये वो सो, मैंने कहा उसमें से कुछ भी रियलाइज कभी नहीं हो पाएगा अगर ये एग्जाम के एग्जाम में मेरी अच्छी वो नहीं पड़ी. तो ऊपर से फैमिली प्रेशर तो सर था ही, वो तो हर ड्रॉपर जानता है बेचारा. मेरी फैमिली से मैंने बस ये कह दिया था कि मतलब बेसिकली जैसे सर वॉल्टर लुईन के लेक्चर देखे आपने बहुत अच्छे से, तो वॉल्टर लुईन नहीं बोलते कि यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है तो हम थोड़ा एरर ले देंगे एक दो आगे. मम्मी को कह रहा था, मैंने कहा देखो ये वाला साल तो हो गया, मैंने कहा थोड़ा एरर ले देते हैं एक साल आगे पीछे का, अगर अगले साल तक नहीं होता तो मैंने कहा मैं पोस्टुलेट एस्पिरेंट मैं कर लूंगा जो आपको करवाना है. एग्जैक्टली, वैसे भी लाइफ होती है 60-70 साल की होती है, एक साल इधर उधर चला गया तो क्या फर्क पड़ता है. यस सर, वो लेकिन सर वो 60-70 साल सर वन अपॉन 60 क्या बोल रहा. मैंने मम्मी को कहा
मैंने मम्मी को कहा कि ऊपर से सर पेरेंट्स ने एकदम एक्सपेक्टेशन ऐसी रख दी थी कि क्षितिश अगर ये एग्जाम में तेरे ढंग के नहीं आए या फिर तूने इस पॉइंट पे आईआईटी क्रैक नहीं किया, ये आपसे मैंने बहुत बार सुना है, तो क्रैक हो जाएगा ये मैं आपसे जुलाई से सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि यू विल हैव टू चेंज योर स्ट्रीम। एग्जैक्टली सर, मतलब बोलना चाहिए मेरे बाजे बज गए थे वो बात सुन के। मैं इनफैक्ट जैसे जब लास्ट लास्ट का टाइम आया, तो लास्ट लास्ट के टाइम पे जब मैं जैसे प्रिपेयर करता, तो मैं रात कभी कभार रात 1-2 बजे तक उठा रह जाता था, क्योंकि वही थी अर्जेंसी थी मेरे पास कि हाँ भाई मेरे को करना है, मेरे को करना है। तो उस पॉइंट पे भी जैसे कभी कभार जैसे आलसपन आता था, तो मैं वही ध्यान आता था मेरे को, मैंने कहा यार फिजिक्स की फील्ड छूट जाएगी, ये रिचर्ड पी फाइनमैन की जगह तुम कोई कहीं पे बैठे रहोगे साइड में, और हो ना हो किस्मत के टर्न्स किसने देखे, मैंने कहा पता चल रहा है सरकारी बाबू बन के बैठे हो, बैठे हुए सही बात है, बढ़िया अरे अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो ढंग से। तो सर बस ऐसे प्रेशर खुद के ऊपर, सर देखो जैसे आपने भी कहा था ना उस पॉइंट पे कि एक कांस्टेंट प्रेशर खुद के ऊपर लगाते रहना पड़ता है। Exactly. अगर हम लोग खुद के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर नहीं लगाएंगे तो वी विल डेफिनेटली डिविएट फ्रॉम आवर पाथ। एग्जैक्टली, एफिशिएंसी तभी बढ़ती है इंसान की, है ना? यस सर। अब सर बीइंग वेरी फ्रैंक, ठीक है, एंड आई होप दैट ऑल द ऑडियंस ओवर हियर इज मैच्योर इनफ। अर्जेंसी मैं ये नहीं बोलता कि अर्जेंसी आप अपनी फील्ड को ही बनाओ, मैं ये बोलता हूँ अर्जेंसी किसी को भी बना लो। हमने तो सर ऐसे लोग भी देखे जो गर्लफ्रेंड्स को अपनी अर्जेंसी बनाया था। Exactly, होता है रात में 3 बजे अगर बोल दिया गर्लफ्रेंड ने कि यार मेरे को समोसा खिला दो, लड़का भाग के जाएगा कहीं से, हलवाई की दुकान खुलवा लेगा समोसा खिलाने के लिए। वही सर, अब सर कुछ लोग कैसे करके अर्जेंसी बनाते हैं, कुछ लोग कैसे करके अर्जेंसी बनाते हैं। मैंने अपनी अर्जेंसी बना दी थी कि आई डोंट हैव टू गेट रेड ऑफ, आई डोंट वांट टू लीव दिस फील्ड एट ऑल। तो फिर जब एक पॉइंट पे सर वो पीछे से ना कीड़े की तरह काटती है ना वो बात, कि तुम सोने लगे अचानक से, यार मेरी फील्ड छूट जाएगी ये वाली, मैं क्या करूंगा। देन आई वाज लाइक हाँ भाई पहले ये वाला काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे कभी थका कभी हारा, तो फिर उसके बाद फिर से वही याद आता था कि यार मेरे को अभी वो भी करना है, क्या कहते हैं ये फील्ड ना छूट जाए, फील्ड ना छूट जाए। अब मैं सर कुछ लोग इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं कि मैं थोड़ा नेगेटिवली सोचता था। अच्छा, लेकिन सर द थिंग इज कि मोटिवेशन इज मोटिवेशन, चाहे आप कैसी भी लाने की कोशिश करो। जैसे कहते नहीं है कि वन मैन्स फ्लैश वन मैन्स मीट कैन बी अदर मैन्स पॉइजन, या फिर वन मैन्स फ्लैश कैन बी अदर मैन्स पॉइजन। तो अब हो सकता है कि मैंने अपनी जिस हिसाब से अर्जेंसी डेवलप करी, मेनी पीपल माइट नॉट लाइक दैट। लेकिन सर बेसिक फैक्ट ये नहीं है कि आप ऐसे करके अर्जेंसी डेवलप करो, बेसिक फैक्ट इज यू हैव टू डेवलप एन अर्जेंसी। मतलब ये होता है ना कि देखो ऐसा होता है कि अगर सक्सेस पाना है ना, तो ऐसा था कि अनसक्सेसफुल होने वाली जो कंडीशन है ना उससे डर आना, डर लगना चाहिए, समझ रहे हो ना, कि अनसक्सेसफुल वाली जो कंडीशन होती है, मतलब जैसे हम लड़कियों के लिए खासकर ये चीज हो जाता है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो शादी करवा देंगे, तो होता ना कि वो शादी वाली कंडीशन से उनको डर लगना चाहिए। एग्जैक्ट, लड़कों के साथ भी ये चीज होता है, जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ मतलब फादर कह रहे थे या मदर कह रही थी कि हाँ आपको स्ट्रीम चेंज करना पड़ जाएगा, तो है ना कि ये डर जो है रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मतलब जो आप भी कह रहे हो ये चीज। और सर एक चीज और, एक ना हम लोग जैसे जनरली हम लोगों ने थोड़ा ना नेगेटिव सेंस में ले लिया इस वर्ड को, इंटॉक्सिकेशन। अब मैं इंटॉक्सिकेशन बोलूंगा लोग कहते हैं कि आधा पकड़ लिया इसने, नहीं वो नहीं है। इंटॉक्स सर एक सेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, एक ना नशा होना चाहिए किसी काम को करने का। एग्जैक्टली, अगर आपके पास वो नशा नहीं है, वो पागलपन नहीं है उस काम को करने का, देन डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू सक्सीड। क्योंकि सक्सेस तो सर 100% देखो हर कोई दे रहा है, बस एक वो एज जो आप ले लेते हो ना वो 10% 20% का ड्यू टू दैट इंटॉक्सिकेशन दैट यू हैव इन योर माइंड, तो बस वहीं पे डिफरेंस आ जाता है पूरा का पूरा। मेरा बस ये रहा कि जब जब मैं थोड़ा ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता था, मैंने शायद आपको बताया भी था समटाइम्स, मतलब जो भी मेरे को देख रहा है दे वोंट बिलीव दैट, बट समटाइम्स आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग ऑन द वॉल विद द चॉक। अगर मेरे को पेपर नहीं मिल रहा था, आई वुड स्टार्ट राइटिंग ऑन द वॉल विद द चॉक। उसके बाद अब ऐसा लगता था, देन आई वाज लाइक, तब मम्मी आती थी, मॉम वाज लाइक बेटा मेरे को लगता है इस घर का ना पेंट जॉब जल्दी करवाना पड़ेगा, तू खत्म करके चला जा रहे से पहले। एक दिन क्या हुआ कि मम्मी ने मुझे बोला कि किचन में थे हम लोग, मम्मी ने मुझे बोला कि यहाँ पे मैं सब्जी रख के जा रही हूँ पलट देना। मेरे हाथ में थी चौक, पहले मैं खड़ा रहा थोड़ा बोर हुआ 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 हुआ। अब बाद में मैंने जो टाइल्स नहीं होती ब्लैक वाली, मतलब पता नहीं कई लोग ये ना समझेंगे फेंक रहा हूँ, बट दैट्स अ ट्रू स्टोरी। मैं उन टाइल्स, पता नहीं मेरे को ना मैक्सवेल इक्वेशन कुछ हिट हो गई, मैक्सवेल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं सर आपको पता है कितने ब्यूटीफुल तरीके से आते हैं, वो टाइल पड़ी हुई है, मैं टाइल पे मैंने ऐसे हंसी मजाक में मैक्सवेल इक्वेशन लिख दी। मैंने कहा इसको सॉल्यूशंस क्या हुआ करते थे, वो मेरे को स्ट्राइक नहीं हुए।
मैं वहां पे लिटरली बैठ के याद करने लग गया कि कैसे करके मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व हुई थी। तो सर वही इंटॉक्सिकेशन, वो इंटॉक्सिकेशन एक ना एक पॉइंट पे आपको चाहिए ही होती है। नहीं है तो आप भले अभी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन एक पॉइंट के बाद थोड़ा होता है जहां पे प्रेशर आपके ऊपर टेक ओवर कर देता है। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनके ख्वाब में इक्वेशन चल रहे होते हैं, मतलब जैसे सपने में उनके इक्वेशन चल रहा होता है कि यार ये इक्वेशन क्या होगा, वो इक्वेशन क्या होगा, एग्जाम के बारे में सोचने लग जाता है कि ये हो गया वो हो गया, मतलब यही इंटॉक्सिकेशन है और है क्या। सही बात है ना। अच्छा एक जनरल सा क्वेश्चन है जो शायद जनता जानना चाहती होगी, आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? सर वो तो मोदी जी ज्यादा अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं इसका। नहीं तो आप बता दे कुछ, आप भी बता दे कि बच्चे फॉलो करें आप। सर हम तो काट के खाते हैं। काट के खाते हो सर? हम तो खाने से मतलब रखते हैं वो, सर हम तो खाने से मतलब रखते हैं, चाहे छील के खाए चाहे काट के खाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं ना कि अगर काट के खाओगे या छील के खाओगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं सर एक्चुअली ये वाले ना, इस वाली चीज को मैं थोड़ा सा उसमें लगाना चाहूंगा, मतलब अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो मैं इस वाली चीज को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लाई करना लगाना चाहूंगा। सर जैसे एक चीज मैंने देखी कि देर आर टू अप्रोचेस टू प्रिपरेशन, मैंने दोनों दोनों फॉलो करी है और दोनों में कुछ फेलियर्स मिले हैं कुछ सक्सेस मिले हैं। एग्जैक्टली, और स्ट्रेटजी ऐसी होती है, डायनेमिक होनी भी चाहिए, है कि नहीं? कि आप एक पे काम करो, अगर वो काम नहीं करता तो then you should go with plan B, है ना? Yeah, exactly. तो सर हुआ ये था कि फर्स्ट आई स्टार्टेड कि मैंने कहा कि अब मैं ना एकदम कंसेप्ट पढ़ के जाऊंगा आगे, ठीक है, वो ब्रूट फोर्स नहीं बोलते सर जैसे कि हाँ पूरा पूरा जो बीच में है सब ले चलो अपने साथ, मैंने कहा वैसे करूंगा। अब हुआ क्या कि जब लास्ट का टाइम आया तो ये ब्रूट फोर्स वाली टेक्निक सर जो भी है, ऑल्दो इट इज वेरी इफेक्टिव, लेकिन इट इज अ बिट स्लो। अगर आप स्टार्टिंग से इसे एम्प्लॉय कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपने हल्का सा भी बीच में थोड़ा सा डिविएट हो गए तो ये चली जाती है फिर हाथ से। Exactly. तो एक पॉइंट ऐसा आया कि अब मैं ऐसा हो गया था कि टाइम हो गया था कम और बच रखे थे सब्जेक्ट ज्यादा, तो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज, आपको तो पता है सर कि आई एम अ फुटबॉल फैन, तो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज गोल तो गोल होता है, चाहे मैं पेनल्टी से करूं चाहे मैं मिड लाइन से उठा के पूरा अंदर तक लेके जाऊं वहां पे गोल करूं, तो मैंने कहा मार्क्स तो मार्क्स होना है और कंसेप्ट तो कंसेप्ट होना है। मैंने कहा चाहे मैं इस कंसेप्ट के एकदम जो सिलेक्टिव स्टडी है या फिर जो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज को एकदम ग्रास्प करके चलूं या फिर एक वाइड अरे ऑफ आइडियाज अपने दिमाग में बना लूं और उसके बाद उसे सॉल्व करूं। जैसे आप बोल रहे हो ना सर कि आम काट के खाते हो या छिलके खाते हो, तो सर मेन बात यही है, अगर मैं बोल दूं कि काट के खाना इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द फेनोमेना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, नोइंग इट्स हिस्ट्री एंड ऑल दैट, एग्जैक्टली, और छील के और चूस के खाना इज मतलब ऊपर से देख लेना। यस सर। तो मैं वहां पे समझा था इस फैक्ट को और वहीं पे से आई हैड डेवलप्ड दिस नोशन कि आम खाने से मतलब है, चाहे काट के खाओ चाहे चूस के खाओ। अच्छा जैसे क्षितिज ऐसा हुआ होगा बहुत बार, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मतलब अपने साथ वालों से जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपसे जूनियर हैं बहुत सारे आपके साथ वाले थे, तो कभी कभी होता ना कि वो आपसे अच्छा कर जाते हैं, बहुत मोमेंट पे ऐसा होता है कि वो फास्ट हो सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है, तो इन मोमेंट्स पे फ्रस्ट्रेशन होती है और कैसा? देखो एक सर एक चीज जो मैं समझाऊं ओवर द इयर्स इज कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखना इज एक हेल्दी कॉम्पिटिशन इज अ नेसेसिटी। तो as long as you are keeping competition with them and not hating them for doing good. Exactly. Hate करना भी नहीं चाहिए, otherwise maturity कहाँ पे है आपके अंदर, है कि नहीं? अगर आप hate करो छोटी-छोटी बातों को, स्कूल वाली कंडीशन होगी कि अब यहाँ पे तो हाँ सही बात है, तो वहाँ पे maturity तो है। सर वो तो है। तो सर what I used सर, तो सर जैसे जिस पॉइंट पे आपको तो पता ही है, मैं कई बार इस चीज को वैसे वो भी करता था, कंप्लेंट भी करता था आपसे कि सर ये बच्चे इतने ढंग से कर रहे हैं, हमारे तो बाजे बच जाएंगे, हमसे नहीं होगा। तो सर होता ये था कि जिस पॉइंट पे बच्चे अच्छा करते थे, सबसे पहली चीज तो आई यूज टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने कहाँ पे मेरे ऊपर एक एज लिया होगा, ठीक है, आई यूज टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी रही होगी। जैसे सर वुड यू माइंड इफ आई टेक द नेम ऑफ स्टूडेंट? या एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे सारे अपने लोग हैं सर। सर जैसे कई सारे फ्रेंड्स थे हमारे, जैसे आप कौन कौन थे, जैसे एक ही मुस्कान राव थी, ठीक है, सर ये मत बोलना कि लड़कियों के नाम ले रहा है। नहीं नहीं, आप लोग तो आराम से आराम से। जैसे एक ये सपना थी, इनफैक्ट शी हैज डन वेरी गुड इन दिस एग्जाम, ऑल इंडिया रैंक 24। तो सर जैसे ये लोग जब मेरे ऊपर एज लेते थे कि मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मैं
अपने थिंकिंग प्रोसेस में सोच ही रहा हूँ और उन्होंने वहां पे आंसर दे दिया, तो कभी कभार आई यूज टू बी लाइक यार कहाँ, मतलब ये नहीं सोचता था मैं कि यार इन्होंने कैसे कर दिया, मैं सोचता यही था, मतलब सॉरी वर्डिंग मेरी यही होती थी, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, बट आई यूज टू बी लाइक यार इन्होंने कर कैसे दिया, दैट इज व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू लुक द गेम फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माय कंपटीटर, कि हाँ उसने कहाँ पे एज लिया मेरे ऊपर से, कहाँ पे उसने ढंग से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, कहाँ पे उसने दो कंसेप्ट स्किप मार दिया आगे के, तो सर वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता था उस पॉइंट में, सीधा यही सोचता था कि ठीक है उन्होंने कर दिया, बट अब मुझे ये समझना है कि कहाँ पे उन्होंने मेरे ऊपर एज लिया, तो जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता था उस चीज को बाद में, तब मुझे समझ आता था कि कई जगहों पर हम लोग बड़े अननेसेसरी से कंसेप्ट यूज कर देते थे. तो जैसे सर लेट मी टेक एन एग्जांपल, मतलब बड़ा बेसिक से एग्जांपल है ताकि हर कोई समझ जाए इस चीज को. जैसे सपोज सर तीन किनेमैटिक्स की इक्वेशन होती है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. अब अगर मैं एनालॉजी यूज करूं, तो अगर मुझसे कोई ये, अगर मेरे को वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दे रखी है, तो मैं उन बच्चों में हुआ करता था जो कि पहले टाइम निकालेगा, फिर टाइम से वो एस निकालेगा. तो फिर इंट्रोस्पेक्ट किया तो पता चला यार साले यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट यूज ही नहीं करना था, यहाँ पे मैं टाइम को यूज नहीं करता था, मेरे तो दो लाइन में इक्वेशन सॉल्व थी, बिल्कुल सही बात. तो वैसे पकड़ता था सर मैं वहाँ पे चीज को. तो उससे हेल्प मिली सही सी ना सर? काफी हेल्प मिली. इनफैक्ट जो हम लोग जब वहां पे थे जैम के एग्जाम में भी थे, तो कुछ क्वेश्चन तो थे जो कि मैं, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं सर्वज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वहां पे नहीं हो रहे थे, लेकिन जो हो रहे थे क्वेश्चंस तो उनमें मैं 100% श्योर था कि हाँ ये मुझे आता. और सर मतलब कहना नहीं चाहिए, बट जब मैंने अपना टाइम वगैरह मेजर करना स्टार्ट किया क्वेश्चन करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हुए, तो एक चीज मैंने काफी नोटिस करी कि जो ये टेक्निक मैं डेवलप कर रहा था ओवर द टाइम, इट हैड हेल्प मी अ लॉट. तो उसने मेरे टाइम, मेरे जो स्पीड थी उसको नहीं भी होगा 30-40% इंक्रीज कर दिया था. उनसे कितना डरता था मैं स्टार्टिंग से. In fact, if the viewers are seeing this, अमित अंजन सर मेरे को बोल बोल के थक जाते, शितिश मॉक टेस्ट दे लो, उनसे भागता था स्टार्टिंग में. तो सर बाद में मैंने जब मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए, तो आई रियलाइज कि इससे, जैसे आपने कहा था कि क्षितिज मॉक टेस्ट देते हो उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन आप जाओ आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैं कहाँ पे कोई कंसेप्ट ढीला छोड़ गया. अब मैं कुछ टाइम पहले सोहम कपाड़िया का इंटरव्यू भी देख रहा था, सोहम कपाड़िया है ना सर, उसका इंटरव्यू भी देख रहा था, तो ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट द सेम थिंग कि मॉक आप दे रहे हो, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप थोड़े पीछे रह गए, कहाँ पे आपके कंसेप्ट ढीले पड़ गए. तो मैं तो यही करता था कि जिस पॉइंट पे मेरे को ये दिखता था कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है, मैं यही चेक करता था कि यार सामने वाले ने कहाँ पे मेरे से एक एज ज्यादा ले दिया, कहाँ पे उस बंदे ने, मैंने कहा हो सकता है मे बी कैलकुलेशंस में, फिर कैलकुलेशंस का मैं ऐसे सोचता था यार कैलकुलेशंस हमने कैलकुलेटर से करनी है लास्ट में जाके, इतना तुर्रम खान कोई है नहीं कि वो खतरनाक कैलकुलेशन एक बार में दिमाग ही दिमाग के अंदर कर लेगा. सही बात. फिर मैं सोचता था कि हाँ उन्होंने करा कैसे, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गेम को देखने की कोशिश करता था, तो फिर उससे काफी हेल्प मिली थी बाद में. तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा कि जब अगर कोई आपसे ज्यादा स्पीड से आगे कर रहा है, तो ये मत सोचो कि यार हो गया मेरे से नहीं हो पाएगा, भले मैं भी सोचता था, लेकिन ये सोचो उसके बाद कि यार उसने तो कर दिया, लेकिन हाउ कैन आई बी फास्टर, हाउ डिड ही और शी व्यू द क्वेश्चन दैट आई वाज नॉट एबल टू व्यू. तो सर वही वाली बात थी, मैंने स्टार्टिंग से ये अपना एक प्रिंसिपल रखा कि मैं ये नहीं सोचता था, मैं ये सोचता था कि हाँ सामने वाला तेज कर रहा है, लेकिन उसके बाद मैं ये सोचता था कि सामने वाले ने तेज करा कैसे. अच्छा एक बात बताओ, जैसे मतलब आपने ड्रॉप लेके पूरा प्रिपरेशन करा, स्टार्ट करा, तो बहुत बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर जैसे मतलब हमने बीएससी में पढ़ाई कर ली है, ऑलरेडी हमने टॉपिक कर लिया, जैसे मैकेनिक्स की बात करो तो बच्चे बीएससी में कर लेते हैं, क्वांटम बीएससी में कर लेते हैं, तो आपने कैसे किया, शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया या ऐसे न्यूमेरिकल उठाए करना स्टार्ट कर दिया, क्या कह रहे थे अप्रोच कैसे? सर एक चीज हो जाती थी कि जैसे मैं, मेरा जो बेसिक अप्रोच हुआ करता था, मेरा बेसिक अप्रोच हुआ करता था कि मैं कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लेता था, मतलब भले ही नाम में अगर जैसे जो मेरे को जानते हैं ढंग से, तो वो अगर मेरे से एक टॉपिक पे बुक पूछते हैं, मैं उनको 5 बुक सजेस्ट कर देता हूँ. ये यूज कर लो. वो मुझे पता है बहुत अच्छे से. लेकिन सर बात यह है,
आपसे तो बात हुई थी कॉल पे तो सर ठीक है, कंसेप्ट पढ़ने के बेसिस से हर बुक अच्छी है, लेकिन सर जो पॉइंट होता है वहां पे, मैं क्या करता था बेसिकली, मैं उस आइडिया को रिव्यू करता था. जैसे कि सपोज टू डायमेंशनल मोशन है, हर एक को पता है हाँ टू डायमेंशनल मोशन कैसे तरीके से एक्ट करता है, कि अगर आपने पोजिशन वेक्टर है तो, जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, जनरली इसके ऊपर थोड़ा ये डाउट आता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज हैं अपने अपने, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बच्चों ने सीखा हुआ है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का एक जो बेसिक आइडिया, दैट इज कि हॉरिजॉन्टल और एक्स के अलॉन्ग मोशन है और वाई के अलॉन्ग मोशन है, उन्हें इंडिपेंडेंट रखो. तो मैं क्या करता था बेसिकली, पहले मैं उस आइडिया को अंडरस्टैंड करता था कि वो आइडिया है क्या. जैसे कि एक थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था एक मेरे उसमें, तो इतना टाइम मिल जाता था आपको सर केवल आइडिया के ऊपर थोड़ा सा मैं स्टडी कर लिया. जैसे क्लेपन एंड कोलिंगकॉव है सर, जैसे मैं क्या करता था, मतलब टाइम सर निकाल, अब वही बात है ना कि जैसे आप बोलते हो ना टाइम चोरी करना पड़ता है इधर उधर, टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है. तो मैं क्या करता था बेसिकली, पहले मैं बुक देख ली, ठीक है, फिर उसके बाद ये मतलब जनरली मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में एक दो की हॉर्बिट रेट है यही, हम उसके बाद बैठते थे सोचने लग जाते थे कि इसने कहने की कोशिश करी तो करी क्या. और एक दिन हम लोग आराम से सोचते थे उस चीज के ऊपर, ठीक है, मतलब मैं आराम से सोचता था, जैसे चैप्टर है मैंने पूरा चैप्टर पढ़ दिया, न्यूटन लॉज पढ़ दिया सपोज, तो उसके बाद मैं एक दिन आराम से बैठ के सोचूंगा उस चीज के ऊपर, कुछ प्रेडिक्ट कुछ डिडक्शन मेरा माइंड भी देगा, मेरा माइंड भी देता था कुछ डिडक्शन. अब उन डिडक्शन को मैं सोचता था यार ये ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर उसके बाद समझ आता कि हाँ भाई चलो, एक दिन मैंने पूरा अपना लगा दिया इसके ऊपर, अब कल से मैं पकड़ूंगा क्वेश्चंस. लेकिन हाँ सर एक चीज ध्यान रखता था, क्लेपन एंड कोलिंगकॉव के डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी नहीं हैंडल करता था. क्या कहता था डायरेक्टली हाउ, सर जैसे कहते नहीं है कि हाउ टू स्विम, बुक पढ़ के मैं सीधे स्विमिंग करने नहीं कूद सकता ओशन में. एग्जैक्टली, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, मतलब पहले छोटे इसमें कूदो, उसके बाद फिर बड़े तालाब में जाओ, है ना. Yes, मतलब, sir, exactly. पहले एचसी वर्मा सॉल्व करो, एचसी वर्मा सॉल्व करो, फिर जाओ उसके. Yes, sir. तो क्वेश्चंस करता था सर मैं काफी सारे. मतलब मैंने रेसनिक, मैं आपको शायद से, अब कुछ लोग इसे हाइपरबोलिक समझ सकते, हाइपरबोले समझ सकते हैं मेरी बातों का, लेकिन मैंने रेसनिक भी सॉल्व करी मैकेनिक्स लिए, मैंने एचसी वर्मा भी सॉल्व करी मैकेनिक्स लिए, मैंने जो ये आपके नोट्स वगैरह होते थे या फिर कोई न्यूमेरिकल आप कराते थे उनको भी बैठ के सॉल्व किया, तब जाके मेरे को एक ग्रास्प आ जाती थी कि हाँ भाई अब मेरा मैकेनिक्स स्ट्रांग हो चुका है. तो सर वैसे ही किया मैंने कि पहले कोई आइडिया पढ़ा, जैसे सपोज क्लेपन एंड कोलिंगकॉव से ही पढ़ा, फिर उस आइडिया के ऊपर सोचा, अच्छे से सोचा कि वो कहना क्या चाह रहा है मेरे को. जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ गए, ठीक है, तो उसमें क्लेपन एंड कोलिंगकॉव की एक लाइन मेरे को याद आती है. क्लेपन एंड कोलिंगकॉव एक चीज, एक बड़ा ट्रिकी सा पैराग्राफ वो लाते थे बीच में, वो कहते थे कि अगर हम लोग सपोज एक बॉडी को बड़ी आइसोलेटेड जगह पे लेके चले जाएं और उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो हम लोग डेफिनेटली ये कौन, हम लोग कैसे बताएं कि फोर्स लगेगा नहीं लगेगा. इस चीज में न्यूटन थर्ड लॉ हेल्प करता है, वो ये कहता है अगर कहीं पे दूसरी कोई बॉडी मूव कर रही है तो मतलब ये वाली बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है और ये बॉडी रिटर्न में उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो मतलब आपको पता लग जाएगा कि फोर्स लग रहा है. तो मैं उस चीज के ऊपर भी मैंने काफी ज्यादा सोचा, मैंने कहा अरे मतलब क्या है इन लोगों का कहने का. तो अच्छे अच्छे बड़े ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिडक्शन आने लगे दिमाग में उस चीज से भी. फर्स्ट लॉ के ऊपर ही हम लोग एक बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट लॉ में हम लोग एक चीज पढ़ते थे कि Newton's first law says that if a body is in motion, it will remain in motion, and if it is at rest, it will remain at rest until unless a force is applied on it. So generally, बच्चे इसे कैसे लिखते हैं? If sigma f is equal to zero, then a is equal to zero. अब सर एक चीज है, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगा. अगर मैं कहूँ कि sigma f is equal to zero, that means a is equal to zero. अच्छा मान लिया. लेकिन f तो आपका define ही a से होता है. उस पर्पज से तो आप बोलोगे, जैसे सपोज अगर मैं ये करूँ की एक बुक है वो आपके टेबल के ऊपर रखी है, तो हम लोग कहते थे कि हाँ भाई इसके ऊपर फोर्स जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, वहीं पे थोड़ा गलत हो जाता है. आपको ये कहना है इसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा. सर वही वो थॉट प्रोसेस को मैं थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट, मैं ज्यादा ध्यान अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर देता था बजाय इसके कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएं. मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया, आइडियाज पकड़े, उनके ऊपर सोचा, काफी ज्यादा सोचा, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करने शुरू किए, और फिर जो न्यूमेरिकल्स करता रहता तो फिर वही
फिर एक बार ये समझो फिर प्रैक्टिस करो, समझो फिर प्रैक्टिस करो, दैट वाज द मेन मेन साइकिल दैट आई यूज्ड टू फॉलो। और ये मॉक टेस्ट की अगर बात करें, मॉक टेस्ट कब से दिए थे आप? सर मॉक टेस्ट मैंने एक तो सबसे पहले जिस टाइम पे आपने मुझे डांटना शुरू किया था उस पॉइंट पे दिए। सॉरी। और फिर उसके बाद सर पीवाईक्यूज में करता रहता था। फिर एक पॉइंट पे जब मेरे को ये लगा कि यार, मतलब एक पॉइंट पे जब हो गई थी ना एकदम अर्जेंसी आ गई थी कि यार अब तो मुझे मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, सिलेबस मेरा काफी हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया। ऑल्दो मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि मेरे वाले मेथड से चलें, क्योंकि द मेन थिंग है उस पॉइंट पे इतना लेट हो जाता है मॉक टेस्ट देने के लिए कि फिर हम लोग सोचते रहते हैं कि यार मॉक टेस्ट देना था, मॉक टेस्ट देना था, और हम लोगों के मॉक टेस्ट काफी सारे छूट जाते हैं। मतलब ये थोड़ा हो सकता है मैं थोड़ा ऐसा लगूंगा, आप किसको क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट, हाँ थोड़ी हिपोक्रेसी लग सकती है मेरी साइड से, बट आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन टू फॉलो द थिंग दैट आई हैड डन विद मॉक टेस्ट। आप जिस पॉइंट पे भी कर रहे हो, जितना भी आता है, आपने सपोज मैकेनिक्स पढ़ दिया, तो मैकेनिक्स से क्वेश्चन करके आ जाओ यार, कौन सा तुम्हें उसके बेसिस पर एग्जाम मिल रहा है, सॉरी एग्जाम की रैंक थोड़ी ना मिल रही है उसके बेसिस पर, एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता लगेगा कि मैकेनिक्स से क्वेश्चन मेरे को आते हैं नहीं आते। पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट, मैं मतलब ये मैं सजेशन रहेगा मेरा बच्चों को, ये जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, कि मॉक टेस्ट जिस पॉइंट पे जितना हो गया, कभी भी मॉक टेस्ट आ गया, उसको करना शुरू कर दो। चलो ठीक है, तुमने किनेमैटिक्स से किनेमैटिक्स कर रखा है, मान लेते हैं अभी कि एक हफ्ते में किसी किनेमैटिक्स किया और मॉक टेस्ट आ गया, कर क्या जाए यार, किनेमैटिक्स से क्वेश्चन तो होंगे ही ना वहाँ, ये तो पता लगेगा तुम्हें ये किनेमैटिक्स को तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और ऊपर से ट्वेल्थ का तो बच्चे वैसे ही पढ़ के आते हैं, और आप भी सजेस्ट करते हो कि ट्वेल्थ वाला पार्ट फिर से पढ़ लो एक बार, या फिर जैसे एचसी वर्मा वगैरह आप स्टार्टिंग में थोड़ा सजेस्ट करते हो कि देख लो उसको अच्छे से। तो सर मतलब जैसा मेरा वो रहेगा कि जिस पॉइंट, सॉरी, तो सर जैसा मेरा एक वो सजेशन रहेगा बच्चों, मतलब ये एस्पिरेंट्स के आगे, कि किनेमैटिक्स से क्वेश्चन ही हो, तुमने किनेमैटिक्स ही कर रखी है, जाओ जैम के पेपर में किनेमैटिक्स से क्वेश्चन दे के आ जाओ। मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको सर एक थोड़ा सरकास्टिक मैनर में बोलूं, अगर तुम्हारे जैम के पेपर के दिन तक मान लो 70% सिलेबस खत्म हुआ, तो ये थोड़ी ना बोलोगे जाके यार अभी मेरा 70% सिलेबस खत्म हुआ है, अभी जैम का पेपर एक हफ्ते आगे बढ़ा दो, जाओगे 70% के पेपर। सही बात है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। जितना तुमने सिलेबस पढ़ दिया उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट दे के आ जाओ। अमित रंजन सर या फिर कोई भी टीचर नहीं सुनाएगा इस बात पे कि तुमने यार इतने ही क्वेश्चन क्यों किए, उन्हें भी पता है तुम्हें उतना ही आता है, तुमने उतने ही क्वेश्चन किए। Although मेरे बैच वाले मुझे काफी ज्यादा बोलेंगे इस बात पे कि तू तो आज तक दिखा नहीं हमें मॉक टेस्ट में कभी। अच्छा ये बात सुतेश, शायद आपने भी कुछ तो प्लान कर ही लिया होगा ना फ्यूचर को लेके कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या क्या प्लानिंग चल रही है आपके अंदर? सर प्लानिंग तो फिलहाल यही चल रही है कि सबसे पहले तो अभी जैसे मैं आपसे आज सुबह बोल रहा था, सबसे पहले तो अभी प्लानिंग यही चल रही है कि कोई आईआईटी अगर मेरे को ऐसा मिल जाए जो कि अच्छा आईआईटी है मेरी फील्ड में, मतलब थ्योरेटिकल फिजिक्स या फिर कोई रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा हो जाए, तो अगर वहां वैसा कोई आईआईटी मिल जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गो टू दैट प्लेस, ठीक है, आई एम गोइंग टू चूज दैट आईआईटी। अभी तो सर मेरा जो बेसिक एम हो रखा है वो ये हो रखा है कि जो लूप होल्स मैंने छोड़ दिया है, मैं कहने ना कभी जब आप जो आम काट के और छील के एग्जाम तक बहुत अच्छे से चल सकती है, लेकिन उसके बाद जिस पॉइंट मास्टर्स के अंदर सरवाइव करना है, मास्टर्स के अंदर सरवाइव करना है, तो आपको सिर्फ थियरी और आइडियाज की अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए। तो अभी हाल में मैं क्या कर रहा हूँ, हाल में मैं केवल जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, जैसे कि अब मैं पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे इसे देख रहे हैं वो पहले ये बुक्स पर ना पकड़े, एग्जाम के बाद पकड़े। तो सर अभी मैं जैसे फिलहाल तो अभी मैं मैकेनिक्स पढ़ रहा था, उससे एपी फ्रेंड से, क्योंकि सर अब एग्जाम तो मैंने दे दिया, मार्क्स भी मेरे आ गए जितने आने थे। तो सर अब बात है कि जैसे मैंने कहीं पे सुना था, जब आप गेट के अंदर एंटर कर दे तो जैम की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा जैम की प्रिपरेशन की वैल्यू भी वहीं पे खत्म, ये तो नहीं बोल सकता ना कि अगर मैं सपोज वहां पे कर रहा हूँ और मेरे को कोई आइडिया क्लिक नहीं किया, वहां पे टीचर को ये थोड़ी ना बोलूंगा सर आपको पता है मेरी जैम की रैंक कितनी है, वो बोलेगा बेटा तेरे जैसे ही सारे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और तेरे से भी अच्छी पोजीशन वाले आ रखे हैं, पोजीशन वाले आ रखे हैं, सही बात है बिल्कुल। तो सर जो मैं अभी सोच रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं जो लूप होल्स छोड़ता हुआ आया, जो सिलेक्टिव स्टडी करता हुआ आया, उसमें जो गैप्स छूट गए बीच में,
उन सबको अब मैं कर रहा हूँ कवर बैठ के बड़े आराम से। अच्छा। फिर क्योंकि मेरा मेन एम ये है कि मैं अगर IIT में जाऊं सो आई शुड एटलीस्ट बी अ पर्सन, मतलब जैसे है ना सर एक अंडर ग्रेजुएट से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि इसने एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल के कॉन्सेप्ट्स को थिंकिंग लेवल पे उतार दिया होगा आपने। तो अब मैं उस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पहले तो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगर मैं मास्टर में आऊँ तो मैं अच्छे से सर्वाइव कर सकूँ। फिर उसके बाद वहां पे सर बेसिक एम तो मैंने जैसे मैं हमेशा ही हर एक से ही बोलता आता हूँ कि बेसिक एम फिर उसके बाद मेरा यही है कि मेरे को MSc में अपने जो CGPA वगैरह है इसको काफी उसमें रखना है, अच्छे उसमें रखना है। प्रोफेसर की नजर में तो ऑफकोर्स ये तो हर कोई बोलता है कि प्रोफेसर की नजर में तो रहना ही पड़ता है। फिर उसके बाद वहां पे से ही मेरा बेसिक एम ये है कि अगर मैं कुछ करके वहां पे से PhD अपनी बाहर से कर लूं, क्योंकि सर मतलब अब कुछ लोग कह सकते हैं इस बात के लिए कि देशभक्त नहीं हो तुम लेकिन सर PhD हमें एक चीज पता है कि अगर एक वो करें क्या कहते हैं अगर मैं PhD के लिए एम करता हूँ तो आई विल डेफिनेटली एम फॉर द बेस्ट। Exactly. अब जैसे अगर मैं जैम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना यार IIT कोई भी IIT मिल जाए, भिल्ला ही मिल जाए चलेगा। एम तो मैं यही रखूंगा ना यार बॉम्बे के लिए एम करते हैं, उसके बाद अगर कोई भी मिल जाता है तो वो कर लेंगे। तो वैसे टाइप से PhD का भी मैं यही कर रहा हूँ कि मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले मास्टर्स के लिए ढंग से अंडर ग्रेजुएट की स्टडी में जो लूपहोल्स बच रखे हैं उसे खत्म करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर्स में शाइन करते हैं, तब वी कैन होप टू शाइन, ठीक है, मतलब वी कैन ट्राई। तो मैं ट्राई करूंगा अपना पूरा वहां पे शाइन करने के। उसके बाद एम तो फिलहाल यही है कि मैं बाहर से अपनी PhD करके फिर अगर मेरे को होगा तो मैं इंडिया आ जाऊंगा, वरना फिर मैं बाहर ही कुछ टाइम रिसर्च करने के बाद इंडिया वापस आऊंगा। लेकिन फिर सर वही बात है ना कि जिसे उसमें कहते हैं महाभारत देखता था मैं काफी सारे काफी ज्यादा, आपको मैं कई बार उसके डायलॉग सुनाता था लॉकडाउन के टाइम पे। तो सर एक चीज जो उसमें है कि इंसान बस प्लान बना सकता है लेकिन वो ये ना सोचे कि हाँ भाई यही प्लान ढंग से चलेगा, हम लोग उसके लिए ट्राई कर सकते हैं अच्छे से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान प्लान बना सकता है लेकिन ये ना सोचे कि ये प्लान चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हाथ पैर छोड़ दूं, हाँ जी जो भगवान ने करना होगा करेगा ही करेगा। नहीं, हमें ट्राई पूरा करना है। जैसे कार्मिक थियोरी बोलते हैं ना कि आपको योर एग्जिस्टेंस इज योर मेकिंग, ठीक है, आप अपनी साइड से 100% दो, अगर नहीं होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 80-90% चांस है कि हो जाएगा भैया। अब उस 10% को सोच के आप चलोगे यार पता नहीं 10% तो शितेश ने अभी भी नहीं बोला कि होगा नहीं होगा, तो भैया 90% में तुम्हें दे चुका हो ना गारंटी, उसको तो मान लो सर, मान लो, सही बात है। और यस सर, कोई मैसेज जूनियर्स को जो एस्पिरेंट्स हैं अभी 22 वाले? सर एस्पिरेंट्स को तो एक ही मैसेज दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेरी वाली गलती मत करना कि तुम अपनी स्ट्रेटजी फिक्स ना रखो स्टार्टिंग से, अपनी स्ट्रेटजी फिक्स रखना। और हाँ ये चीज जरूर समझ लेना इफ टाइम डिमांड्स, तो ये समझ जाओ गोल गोल होता है, चाहे पेनल्टी से करो चाहे ड्रिबलिंग से करो, अगर जरूरत ऐसी है कि टाइम की, अब सर क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है लास्ट में, तो अगर तुमने ढंग से पढ़ दिया सब कुछ, ठीक है, अगर तुमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, मतलब पहले तो मैं यही कहूंगा कि हाँ भाई अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, आइडियाज को समझो, लेकिन अगर टाइम ही नहीं बन रहा इतना कि अब आप अच्छे से पढ़ सको, तो एक चीज समझ लो अगर आप ऊपर ऊपर से एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज आप उस टॉपिक की ले दो तो दैट विल बी इनफ। लेकिन सब में मत करना एक काम, क्योंकि बाद में वहां पे जैम के एग्जाम में बहुत गंदे बाजे बज जाते हैं। Exactly. और जैम के एग्जाम में वही करके आओ जो तुम्हें आ रहा है। इस बारी जो मैं अपने रैंक का एक श्रेय सर आपको भी दूंगा, काफी मेजर श्रेय, कि आपने हमें ये सिखाया था कि कैसे लालच में नहीं आना सर, याद है आप बोलते थे हम लोगों को कि नेगेटिव की वहां पे अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें अगर तुम श्योर हो किसी आंसर को लेके तो तभी उसे जाके टिक करो। जनरली बच्चे क्या करते हैं MCQ में वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे सर आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी देखा होगा जय माता दी मत करना प्लीज बिल्कुल रैंक ऊपर की नीचे हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से। और उसमें कॉलेज का फर्क पड़ जाता है, आपके एक दो नंबर से कॉलेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और सर कॉलेज का फर्क तो जो भी उसके साथ सर, एक चीज ये भी तो हो जाती है कि अगर आपके जैसे सपोज मेरे 54 थे इस बारी, तो आई एम डैम श्योर कि जो 54 वाले रहे होंगे उन सब में मैं टॉपर्स में रहूंगा। क्यों? नेगेटिव मार्किंग मेरी एक भी नहीं थी, 0.033 की भी नहीं थी मेरी नेगेटिव मार्किंग। तो वहां पे भी अगर आप सपोज 54 पे हो और अगर आपने सपोज एक नेगेटिव मार्किंग कर दी,
बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा उसी उसी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सही बात। तो एमसीक्यू सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लालच में मत आना बिल्कुल भी। एमएसक्यू सेक्शन में भी आप जिस आंसर को लेके श्योर हो उसी आंसर पे टिक करना, बाकी किसी आंसर पे टिक मत करना। और एनएटी में सर जिस पॉइंट पे आंसर लिख रहे हो ना, जरा दो बार देख लेना कि तुमने आंसर वही लिखा है जो तुम लिखना चाह रहे हो। मेरे साथ हुआ है सर यहाँ पे सारी। एक वो जब ब्लैक बॉडी वाला क्वेश्चन नहीं था तो उसमें मेरा आंसर आ गया था 0.06 के आसपास। पता नहीं वहां पे मैं जिस पॉइंट पे टाइप कर रहा था मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, मैं ध्यान में 0.6 लिख के आ गया। अच्छा 0.06 के आसपास आंसर था, 0.6 लिख के आ गया। बाद में मैं कह रहा, मतलब अब रिव्यू मैंने किया नहीं उस पॉइंट पे क्योंकि टाइम की थोड़ा तंगी हो गई थी लास्ट क्लास में आते आते। तो अब मैंने किया नहीं रिव्यू कि यार 0.06 लिखा है, 0.6 लिखा है। बाद में भारा के मतलब जब रिस्पॉन्स शीट आई मैं ऐसे 0.6 लिखा था, तो ये तीन टिप्स रहेंगे मेरी एमसीक्यू में। गलती मत करना लालच में आके किसी भी गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। सेकंड थिंग इज कि एमएसक्यू में वो मत करना, क्या कहते हैं, एमएसक्यू में जो आपको लगता है आंसर सही है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ इस बारी कि एक ऑसिलेटर वाला क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग इसके साथ थोड़ी सी टेम्परिंग कर दें तो क्या होगा। तो अब वहां पे मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को लेके तो था मैं श्योर कि हाँ भाई उसमें तो असर पड़ेगा, इंक्रीज होगा आपका। लेकिन दूसरी साइड आ गया कि पावर रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी वो क्या होगा। मैं वहां पे ये गलती मैंने करी है तो मैं कहूंगा मेरे जूनियर ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। मैं वहां पे सोच रहा यार देखो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सोचते हैं क्या होगा। मैं हिसाब लगा रहा हूँ सर लिटरली बैठ के, पता नहीं कौन सी हाइपोथेसिस लगा रहा हूँ, मैं हिसाब लगा रहा हूँ, देखो ज्यादा तेजी से घिस रहा है तो हो सकता है पावर लॉस भी जल्दी। एनर्जी लॉस के रेट के ऊपर कोई असर पड़ना ही नहीं था। तो फिर बाद में बहुत पछताया था इस चीज को लेके कि यार काश ना सोचा होता उस पॉइंट पे। अभी 60 नंबर आया सर। हाँ अभी साठ तक मैं लेके आ जाता, छह मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ही गलती करके आया था। लेकिन हाँ, और सर एक एनएटी में प्लीज टाइप करते हुए देख लेना कि तुम सही टाइप कर रहे हो, जो तुम्हें चाहिए वही टाइप किया, कुछ और टाइप कर दिया वहां पे। और सर डिसहार्टन कभी डिसहार्टन ना हो बच्चे एग्जाम के बीच में। मैं भी काफी डिसहार्टन हो गया था, इनफैक्ट काफी सारे एस्पिरेंट जो कि मेरे टच में भी थे दे आल्सो टोल्ड मी कि काफी डिसहार्टनिंग हो गया था उन लोगों के लिए वहां पे। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग पेपर दे रहे थे तो एमसीक्यू सेक्शन हमारा बहुत मक्खन गया था। मेरे इनफैक्ट मैक्सिमम मार्क्स मैंने वही निकाले, मैं 40 मार्क्स मैंने वही निकाल दिया था। ठीक है, जो अभी सोच रहे हैं प्लीज मेरा मार्क्स मत पूछना सर से, तुम लोग बाद में मेरी इज्जत नहीं करोगे। ठीक है, तो सर एमसीक्यू सेक्शन में मैंने ढंग से कर दिया था। उसके बाद में आया सीधे एनएटी सेक्शन के ऊपर, लेकिन एनएटी सेक्शन थोड़ा इस बारी हो गया था टफ। अच्छा, तो सर वहां पे हम थोड़ा डिसहार्टन हो गए थे, हम ऐसे हो गए थे यार अब क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे। जो एमएसक्यू सेक्शन फिर आसान भी था, हम वहां पे भी एकदम लॉस होके गए कि यार अब पता नहीं क्या होता। और एक टिप सर मेरे को काफी ज्यादा जो मेरे फ्रेंड की थी वैसे बेसिकली, बट काफी वर्केबल टिप है कि जिस पॉइंट पे आप सपोज मॉक टेस्ट को अटेंड कर रहे हो, एक चीज जरूर देखना कि एक पॉइंट आता है टाइम में जहां पे ना आपका दिमाग ना थोड़ा डिविएट हो जाता है जगह से। मेरे पे वो आता था जनरली 1.25 घंटे के बाद आता था वो टाइम, जब 1 आवर 15 मिनट्स आते थे। उसके बाद होता है ना सर कि पहले आप एकदम फुल कंसंट्रेशन से स्टार्ट करते हो, ठीक है, कि बगल में भूकंप भी आ रहा है आपको पता नहीं लगने वाला। ठीक है, बाद में एक पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि जब ना ब्रेन ना ट्रैक खो देता है, ब्रेन थोड़ा थक जाता है, तो वो एक पॉइंट जरूर पकड़ लेना कि यार मेरा वाला पॉइंट आता कहाँ पे है। वहां पे या तो आप चाहो तो थोड़ा रेस्ट ले लो, पानी पी लो, वॉशरूम जा लो, बाकी इससे ज्यादा कुछ आप ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, पानी पी लो, वॉशरूम जा लो, या फिर थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स कर लो, स्ट्रेच कर लो। बट हाँ ये ध्यान रखना, स्ट्रेच करते हैं बगल वाले को तंग मत कर देना। ठीक है, तो स्ट्रेच कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके बाद अपनी थोड़ी कंसंट्रेशन, 5 मिनट के रिलैक्सेशन के बाद अपनी कंसंट्रेशन गेन करो, फिर उस एफिशिएंसी के साथ चलो। अगर आपने वहां पे अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं दिया तो आपके उस 5 मिनट को बचाने के चक्कर में 25 मिनट आगे के वेस्ट हो जाएंगे। और हाँ, एग्जाम में जाने से पहले प्लीज अपनी नींद ढंग से पूरी करके जाना, मेरी तरह गलती मत करना। मैं उस दिन एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था कि उस दिन जिस दिन हमारा वो था तो मैं एक्साइट हो गया था काफी ज्यादा, तो 1-2 बजे तक मैं सो नहीं पाया था। अब दिल्ली में जहाँ पे मेरे को जाना था, वो जगह ऑलमोस्ट कितने शायद से
2 घंटे, 1 या 2 घंटे दूर थी मेरी लोकेशन, मेरी रेजिडेंसी से, मतलब द्वारका साइड और पता नहीं जाना की साइड से, मेरे को भी जगह याद नहीं आ रही। सुबह 6 बजे चाचा आ गए एकदम। अच्छा भाई उठ ना, दो चलना है क्या भी एग्जाम देने। ऐसे मैंने कहा यार अभी तो मेरी आंखें इतनी भारी हो रखी है, क्या करूं। वो तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने रास्ते में कहीं से कॉफी ग्रैब कर दी थी। अच्छा। तो हमें कॉफी पीता हो गया, तो थोड़ा कैफीन पंच आ गया था उस पॉइंट पे, तो थोड़ा मेरी नींद नहीं टूट नहीं गई, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वहां जाके मैं एकदम सोना शुरू कर दिया मैंने। बट हाँ एक पॉइंट के बाद थोड़ा थका हारा सा जरूर फील होना शुरू हो गया था। तो सर यही टिप्स रहेंगे, है ना, बच्चों पानी जरूर लेके चले जाना अपने साथ, दैट हेल्प्स अ लॉट। अगर हाइड्रेटेड रहो तो ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। सर यही है 3-4 टिप्स। इससे तो अभी फिलहाल मैं तो सर सब्जेक्टिव टिप्स दे सकता हूँ, बाकी सब कुछ तो ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे एग्जाम के ऊपर जैसा होती है सिचुएशन उस पर डिपेंड करेगा। मैं कुछ बस जनरल टिप्स दे सकता हूँ कि हाँ हाँ ये सारी चीजें ध्यान रखना भैया। और हाँ मल्टीपल बुक्स जस्ट के बाद सर देखते हैं, अभी जस्ट को लेके तो एक्चुअली मैं थोड़ा वैसा हो रखा हूँ ना, मैंने अभी आपको बताया ना मैं थोड़ा कंसेप्ट वगैरह के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अब जस्ट में क्या है कि मतलब जैम का तो मेरा क्लियर है, उसको तो मैं रिवाइज कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे अपना जो स्कोप है ब्रॉडन करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं उस स्कोप को ब्रॉडन करने की सिचुएशन तक मैं पहुंच पाता हूँ नहीं पहुंच पाता हूँ, लेकिन हाँ मतलब आई विल गिव माय बेस्ट। अब देखते हैं फिर उसके बाद जैसी भी सिचुएशन होती है। चलो क्षितिज, इस बार इट वाज लवली टॉकिंग विद यू। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ आपने बताया। यस सर, चलो फिर खत्म करते हैं सेशन को। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो सो टाटा, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर।